हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर इससे पहले आपने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का डेरिवेशन अगर नहीं देखा है, आप उसको पहले चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि विदाउट उसके ये डेरिवेशन शायद आपको उतना समझ में ना आए। चलिए, अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो उसके बाद हम इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं, बट अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पहले उसको चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने अगेन कुछ नोटेशंस दिए हैं, जैसा कि इनको मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं जल्दी से इनको डिस्कस कर लेता हूँ। ए है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, आर एन है आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जेड ई है आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड एम है आपका मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक हो गया। देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉस्टुलेट, बोहर का पहला पॉस्टुलेट क्या कहता था बताइए? पहला पॉस्टुलेट बोलता था कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, देखिए मैं हर जगह एन लिख रहा हूँ क्योंकि हम nth ऑर्बिट पे डील कर रहे हैं, वो इक्वल होगा किसके? इलेक्ट्रिक फोर्स के। बोले तो 1/4π0 जेड ई इंटू ई, आपको पता है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जेड ई होता है, मैंने समझा दिया था, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई अपॉन आर एन का स्क्वायर। इस आर एन से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर बचेगा एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल टू 1/4π0 जेड ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आएगा आपका आर एन। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इस वाले आर एन को मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया है, तो मुझे यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहिए था। ठीक हो गया, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉस्टुलेट अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉस्टुलेट आप जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? एन एच अपॉन 2π, वेयर एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट। चूंकि हम nth ऑर्बिट पे बात कर रहे हैं, तो v की जगह में vn और r की जगह में rn। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 1/2। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ मुझे वी एन स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ मुझे वी एन दिख रहा है, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास सिर्फ क्या आएगा? वी एन आएगा। आई बात समझ में? तो डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा? एम वी एन स्क्वायर अपॉन, इधर एल एच एस क्या है? एम वी एन आर एन इक्वल टू, सो ऊपर से वैल्यू रखने पर इक्वेशन 1 में क्या है देखिए, जेड ई स्क्वायर और अपॉन में क्या है? 4π0 इंटू आर एन अपॉन इक्वेशन 2 के डिनोमिनेटर में, सॉरी आर एच एस में क्या है? एन एच अपॉन 2π। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2π सबसे ऊपर चले जाएगा और ये इधर पे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताइए? और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, एम से एम, v से वी एन स्क्वायर एक बार हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा वी एन अपॉन आर एन इक्वल टू, देखिए जेड ई स्क्वायर अपॉन 4π0 इंटू आर एन इंटू 2π चले जाएगा सबसे ऊपर, और यहाँ पर एन एच आ जाएगा नीचे। ठीक हो गया, अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो बता दीजिए मुझे, यहाँ पर आर एन से आर एन कैंसिल आउट होगा आप, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर आपको जो इक्वेशन फाइनली मिलती है वी एन इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 epsilon naught एन एच। आई बात समझ में? एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आई बात समझ में? आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया, चलिए ये 2 डेरिवेशन आपके कवर हो गए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दिस, ठीक है, और इसके बाद जो नया डेरिवेशन आएगा वो आएगा टोटल एनर्जी पे, और वो डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पर अगेन मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, सबसे पहले मैंने इस वाले में भी एफ सी को पहले रखा है और एफ ई को बाद में रखा है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यानी कि जैसा आपने रेडियस के डेरिवेशन में सीख के आए थे वैसा ही आपको इधर भी करना है। आई बात समझ में? और फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 से 2 को डिवाइड मार देना है, ठीक है, 1/2 और
कट के सब कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपको आपके VN का आंसर मिल जाएगा, यानी कि डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।